बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज थाना मगोरा में 1 जुलाई से संपूर्ण भारतवर्ष में लागू नए भारत के नए कानून लागू होने पर क्षेत्र के लोगों को एकत्रित कर जानकारी दी गई। थाना प्रभारी मगोरा अवधेश कुमार जाधव ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को संबोधित करते हुए नए कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। वहीं इस बैठक में श्री आलोक सिंह क्षेत्र अधिकारी गोवर्धन द्वारा पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानून में किए गए संशोधन से विस्तार से बताया गया कि सभी लोगों को जागरूक करने के लिए नए एवं पुराने मुख्य अपराधों के बारे में पंपलेट वितरण करते हुए सभी से अपने अपने गांव क्षेत्र में प्रचार प्रसार की अपील की गई। बताया गया कि पुराने कानून में दिए गए दंड के स्थान पर समाज में न्याय की परिकल्पना की गई है। नए कानून में 0 FIR का भी प्रावधान किया गया है। डिजिटलाइजेशन को मान्यता दी है कि अब समन वारंट आदि की तामील व्हाट्सएप ईमेल आदि के माध्यम से किए जाने को भी मान्यता दी गई है। नए कानून में क्षुद्र अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के रूप में दंड का प्रावधान किया गया है। बैठक में मगोरा क्षेत्र के प्रधान, पूर्व प्रधान, सभासद, संभ्रांता लोग उपस्थित रहे। ये भी सर, आज थाना मगोरा में आज जो नए कानून वगैरह जो गोष्ठी का आयोजन किया है तो उसमें क्या धाराओं पर? देखिए, आप जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि कल रात 12 बजे से देश भर में नए कानून लागू हो चुके हैं। इसी संबंध में आज हर जगह हम लोग गणमान्य लोगों के साथ बैठक आयोजित करके और नए कानूनों के बारे में उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, जिससे कि ये गणमान्य व्यक्ति यहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से संबंधित हैं वहाँ जाके इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। इस कानून के जो नए कानून की मूल भावना से उनको अवगत कराया गया है कि कैसे ये न्याय केंद्रित हैं, ना कि दंड केंद्रित हैं। तो ये सब बैठक की गई थी इस संबंध में थाना मगोर्रा में, और सभी लोग नए कानूनों के बारे में जानकारी करके और उनको जो हैंड आउट्स और पैम्फलेट दिए गए हैं वो पाकर और ये निश्चित रूप से अवगत होके गए हैं और जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र से संबंधित हैं वहाँ इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में, जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा बंदारू मार्ग पर KBC कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, शलजम, गोभी और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आँखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।